हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो फाइनली वेलकम बैक टू दिस चैनल एग्जाम मेंटोर 365। सो फ्रेंड्स, एक काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है। जिन बच्चों को काफ़ी देर से इंतज़ार था कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें और उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, कुछ कोचिंग या मेंटोर मिल सके, उनके लिए ये गुड न्यूज़ है। उन बच्चों ने ऑलरेडी जम्मू एंड कश्मीर की साइड से एक परवाज़ एक स्कीम निकाली गई थी उन बच्चों के लिए जो सिविल सर्विसेज़ की कोचिंग लेना चाहते हैं और वो फाइनेंशियली इतनी मतलब स्ट्रांग नहीं है कि वो कोचिंग ले सकें, ये उनके लिए ही ये स्कीम बनाई गई है। तो स्कीम का नाम अगर आपको याद होगा तो परवाज़ नाम था स्कीम का, और ये स्कीम थोड़ी देर पहले ही आई थी, कुछ टाइम पहले ही आई थी, और काफ़ी बच्चों ने इसमें एनरोल भी किया था। तो ये स्कीम क्या करती है, मैं पहले वो बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा पहली बार आ रहा है तो ये मे बी ये स्कीम नेक्स्ट ईयर भी निकाल सकती है गवर्नमेंट, मैं बोल नहीं सकता इसके बारे में कुछ, बट मे बी अगर निकालेगी, क्योंकि हर साल एग्ज़ाम्स की तैयारी की जाती है। तो ये स्कीम क्या करेगी, आपको IAS और JKAS की जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए एक फ्री में कोचिंग प्रोवाइड करवाती है, ताकि एक अच्छा आप लोग कर सकें एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए। तो इसके लिए उन्होंने एक डेट निकाली है कि किस टाइम आपका ये एग्ज़ाम की डेट जो है वो कंडक्ट किया जाएगी, किस टाइम आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो जो डेट यहाँ पर रखी गई है वो आपकी 8 मई डेट रखी गई है, लगभग यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 10 से 15 दिन के आसपास, 15-20 दिन के अंदर आपके ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कर दिया जाएगा, आज की डेट को कंसिडर करके मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। और ये सिंगल सिटिंग में एग्ज़ाम होगा, मतलब एक ही बार में एग्ज़ाम किया जाएगा, और एग्ज़ाम जितना भी आपका रहेगा वो OMR बेस्ड रहेगा, ओके। एंड एग्ज़ाम नॉर्मली जैसे बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं, 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। सबसे खास बात इसमें, अच्छी बात यह है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल में ही होगा, कि मान लो कोई बच्चा अगर रामबन का है तो वो रामबन में ही एग्ज़ाम देगा, उसको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना नहीं पड़ेगा। और अगर कोई जम्मू में रहता है वो जम्मू का ही एग्ज़ाम देगा, कोई अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता है तो उसको अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह के ही एग्ज़ाम देना है, ओके। सेकेंड चीज़, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरह से रहेगा, इसमें 100 मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी योर 3 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके 3 नंबर के होंगे। तो टोटल मार्क्स आपके जो यहाँ पर बन जाते हैं वो बन जाते हैं 300 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, जिसके लिए आपको 120 मिनट दिए जाएंगे, लगभग 2 घंटे आपको इस एग्ज़ाम के लिए दिए जाएंगे। एंड नेगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पर रहेगी, जो 1 मार्क रहेगी, तो वैसे ही हिसाब पड़ जाता है इसमें भी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ पर आपको एटलीस्ट मिनिमम स्कोर करना बहुत ज़रूरी है, 25% आपको करना है स्कोर किसका, टोटल 300 का, जो ऑलमोस्ट बन जाता है 75 मार्क्स। मतलब आपको एग्ज़ाम में एटलीस्ट 75 मार्क्स लेने ही हैं, आप इस 75 मार्क्स को क्वालिफाइंग नेचर बोल सकते हैं कि आपको 75 नंबर लेने ही लेने हैं एटलीस्ट आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। दिस इज़ द मिनिमम स्कोर, ओके, एंड यू हैव टू अचीव इट। आगे बात बनते हैं कि इसमें जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे बनाई की जाएगी, सिंपल सा, जो आपका एग्ज़ाम हो रहा है उसमें जैसे जैसे आप स्कोर करेंगे उस हिसाब से बनाई जाएगी। और कुछ केसेस उन्होंने बताए हैं जो ऑलमोस्ट आते रहते हैं, कि अगर कुछ बच्चों के एग्ज़ाम्स, मान लो कुछ कैंडिडेट्स या 2 बच्चों के एग्ज़ाम्पल अगर मैं लेता हूँ, कि उनका अगर मार्क्स जो है ज़्यादा, ऑलमोस्ट उनके मार्क्स जो है वो सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो वहाँ ये देखा जाएगा कि ज़्यादा किसके करेक्ट आंसर्स हैं, ठीक है। मान लो एक बच्चे ने भी 70 स्कोर किए, दूसरे ने भी 70 स्कोर किए, बट उन दोनों में फिर ये देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा सही आंसर्स हैं, ओके। और अगर ये केस भी हो जाता है और कोई केस आता है जैसे दोनों के, मान लो आंसर्स भी बराबर हैं, दोनों के आंसर्स मान लो 70 क्वेश्चन दोनों के ठीक हैं, तो उस केस में क्या किया जाता है, जिसकी ज़्यादा एज होती है, जो सीनियर होता है एज में, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, एंड मेरिट लिस्ट में उसका नाम पहले डाला जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि सर एडमिट कार्ड कब से आएगा, तो एडमिट कार्ड का उन्होंने मेंशन किया है कि आपके एग्ज़ाम अगर 8 तारीख से है तो आपका एडमिट कार्ड जो है उससे 3 से 5 दिन पहले, तो आप लगभग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2 से 3 तारीख या 4 तारीख के आसपास आपको एग्ज़ाम के आपके एडमिट कार्ड जो है वो मिल जाएंगे इजीली, ओके। और कुछ चीज़ें और भी हैं, ये नॉर्मली हर एक में होता है, तो मैं तो इसी में आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एग्ज़ाम देने अगर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप आधा 1 घंटा पहले वहाँ पहुँच जाएँ, आराम से खुद को सेट करें, सेटल करें, और फ्रेश होकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। माना ये एग्ज़ाम आपको जॉब नहीं दिलाएगा, बट ये एग्ज़ाम आपके जॉब के एक कदम आगे आपको लेकर जाएगा, तो बी सीरियस विद द एग्ज़ाम। और जो सीरियस एस्पिरेंट है उनको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कब उनको एक मौका मिल सके, ठीक है। और ये वो मौका है और इसको वो नहीं छोड़ेंगे। क्या क्या आपको अपने साथ लेकर जाना है वहाँ पर, आपको अपने साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, आपको एक अपना फ़ोटो आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आप आधार कार्ड ले सकते हैं, फ़ोटोग्राफ ले सकते हैं। मैं इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा, ठीक है।
तो आप इस पीडीएफ को भी एक बार खुद से भी पढ़िए। वैसे मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें बता दी हैं, एंड जैसे ही एडमिट कार्ड, अगर कोशिश करिए कि आप मिशन यूथ की जो वेबसाइट है उसको उसके ऊपर अपना नज़र रखिए, ताकि अगर वेबसाइट पे कुछ भी अपडेट आता है तो आप उसको देख सकें। मैं कोशिश करूँगा कि, वैसे तो आपको हमारी साइट से भी बता दिया जाएगा, फिर भी आप अपनी साइट से भी एक अपना पूरा रखिए कि आप वेबसाइट के ऊपर क्या क्या आ रहा है उसको चेक करते रहें, ठीक है। एंड विदाउट एडमिट कार्ड आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, दिस इज़ नॉर्मल जो आप हर एक में करते हैं। आपको अपना आईडी प्रूफ वगैरह लेके जाना है, ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट आपको लेके जाना है, कैंडिडेट ओएमआर एग्ज़ाम्स होंगे आपकी, ठीक है। बाकी कुछ इसमें ऐसा खास नहीं है, वही बबल्स कैसे करते हैं ये एग्ज़ाम्स दे दे के आई होप आपको अच्छे से आ गया है कि बबल्स कैसे देने होती हैं, ठीक है। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है, आपको मास्क वगैरह मैंडेटरी है, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप सैनिटाइज़र, ब्लैक पेन, ट्रांसपेरेंट बॉटल अपने साथ मास्क लेके चलें, बिकॉज कोविड के केसेस दोबारा बहुत आ रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि जॉब के चक्कर में आप और भी कुछ प्रॉब्लम अपने साथ लेके आएँ, ओके। तो बेटर है कि आप इस चीज़ को अपने साथ लेके चलें। एंड ये अगर आप देखेंगे तो ये सब है बेसिकली, तो अच्छा नोटिस है, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट अपडेट है ये बच्चों के लिए। तो अगर अभी तक मैं आपको सजेस्ट करूं कि आपने अगर इस चीज़ों के लिए तैयारी नहीं की है तो आप एक फाइनल टचअप दे सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि इसमें सिलेबस भी उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि सिलेबस में क्या क्या रहेगा। यहाँ पर सिलेबस भी नीचे मेंशन है, आप चाहो तो उसको भी देख सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। जैसे ये सिलेबस यहाँ पर है, ये पूरा सिलेबस है, ठीक है। आप ये भी देख सकते हैं, पॉलिटी है, इकोनॉमी, सोशल साइंस, साइंस एंड टेक है, स्पोर्ट्स, एनवायरनमेंट, जनरल अवेयरनेस वगैरह, ये काफ़ी बच्चों को आता है, बट डिपेंड करता है कि वो उस दिन क्या कर रहा है, ओके। सो फाइनली अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, आई होप अच्छी लगी होगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन वीडियो में मैं यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें नहीं दे सकता सिवाय इन्फॉर्मेशन की। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी मिली होगी, एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन, ताकि जितनी भी आने वाली में अपडेट्स हैं या कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे पता चलती है और मैं चाहूँ कि वो आप सब भी जान सकें, तो मैं वो आपसे शेयर कर सकूँ। थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज़ ऑल द बेस्ट।